अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/3/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, रिवाइज कोर्स के महावाक्य। ओरिजिनल तारीख है 14/11/87। बाबा ने आज हम बच्चों को पवित्रता की गुह्य परिभाषा बताई है, जो बड़ी गुह्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता। हमारी उन्नति की सीढ़ी में पहली सीढ़ी है पवित्रता। संपन्न बनने के लिए पहला स्टेप है पुरुषार्थ का पवित्रता। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की छत्र छाया आने वाले विघ्नों को हटा देती है। छत्र छाया का काम करती है तो माया हमारे सामने आ नहीं सकती। बहुत अच्छी गुह्य परिभाषा बाप दादा हम बच्चों को सुना रहे। हम ये भी जानते हैं कि सुख शांति की जननी पवित्रता है, इसीलिए बाप दादा कह रहे कि अगर हम बच्चों को कभी भी दुख शांति की फीलिंग आती है, अनुभव होता है, तो
उसका जो कारण है वो है कि कहां न कहां हमारी अपवित्रता है, पवित्रता की कमी है। उसको चेक करो, चाहे कोई व्यक्ति व्यवहार के अंदर भी आगे पीछे हमारे से करता है, उस व्यक्ति को दोष नहीं देना है, लेकिन मेरी कहां पर ये अपवित्रता आ जाती या पवित्रता की कमी पड़ जाती है उसको चेक करके और उसे हमें परिवर्तित करना है। पवित्रता अगर है तो वहां दुख और अशांति हो नहीं सकती है। तो मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो बड़ी गुह्य है, उनको गुह्यता के साथ समझने की चेष्टा करेंगे। मुरली का सार है, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन। हम सभी बच्चे बन रहे पूज्य देवता। बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे, तो बाबा कहते कि पूज्य देव आत्मा बनने का जो साधन है वो है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता में बहुत पावर है। आज रूहानी शमा अपनी रूहानी परवानों को देख रहे, बाप दादा है शमा और हम बच्चे हैं परवाने। परवानों की सभा शमा के सामने है, तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा शमा अपने परवानों को देख रहे। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए, अर्थात मधुबन में पहुंच गए। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, संगम युग की जो हमारी महफिल है जिसको बाबा कहते रूहानी महफिल, बड़ी विचित्र महफिल है जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने, ऐसी अलौकिक महफिल है। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति नया व्यक्ति इस बात को समझ भी नहीं पाएगा। तो बाबा कहते बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की जो आकर्षण है वो तुच्छ लगती है। इतना से बाबा कहते रूहानी आकर्षण की पावर है कि उसके आगे जितनी भी दुनिया में माया की आकर्षण है ना वो तुच्छ है, असार, कोई सार नहीं उसमें, असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली रूहानी आकर्षण जो बाबा हम बच्चों में भरते हैं, तो बाबा कहते ये वर्तमान भी और भविष्य में भी अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाती, दुख अशांति को दूर कर देती है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं और हम भी अभी कहां बैठे हैं, हम भी अभी परवाने हैं, अपने शमा के सामने बैठे हैं, बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये फील करते हुए हम बाप दादा के माँ वाक्य सुनेंगे, जो बाप दादा कह रहे हैं उसे समझेंगे और वैसी स्थिति बनाते जाएंगे। बाप दादा सभी परवानों को देखकर हर्षित होते हैं, सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है, क्योंकि बाप दादा ने अब बच्चों की दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ बदल दिया, शरीर के भान से दूर कर दिया,
तो बाबा कहते हैं कि सभी के मस्तक पर बाप दादा क्या देख रहे, पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध और पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां चमक रही है, झलक रही है सभी के ऊपर। इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक क्या निशानी दिख रही बाप दादा को, हम बच्चों के अंदर लाइट का ताज चमक रहा है। क्योंकि पवित्रता की निशानी भक्ति मार्ग में भी यही बताते, देवताओं के पीछे पवित्रता का ताज बताते। तो बाप दादा हमारा भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान भी देख रहे, तो बाप दादा को सारे लाइट के ताज वाले परवाने हम बच्चे दिख रहे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी, ये लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे ही बाबा के बने, पहला फरमान बाबा का, पहली श्रीमत, पहली आज्ञा, बच्चे पवित्र बनो फिर योगी बनो, पर पहले पवित्र बनो। तो बाबा कहते बाबा के द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ, वरदान मिल गया। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, शब्द याद रखेंगे, महान आत्मा परमात्म भाग्यवान आत्मा, उच्चते ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। अब बाबा प्रश्न कर रहे कैसे ताजधारी बने हो, बाप दादा व माता पिता हरेक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता अगर नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, सप्ताह कोर्स करने के बाद मुरली क्लास सुनते हैं, एडमिशन फी पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि अगर पवित्रता जीवन में नहीं तो वो ब्राह्मण ही नहीं, ब्रह्मा कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ने आए। जो बाबा की पहली आज्ञा, आधार ब्राह्मण जीवन का, बाबा कहते सारे झगड़े, सारे यज्ञ में विघ्न, उसका निमित्त कारण क्या बना, जब बाबा ने पवित्रता को धारण करवाया वहां झगड़े चालू हो गए। तो विघ्न पड़ते आए, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। हम 21 जन्म मेहनत करते हैं पवित्र रहने के लिए, देह अभिमानी बनते, धारणा करते, खान पान की शुद्धि करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते, प्राप्ति 21 जन्म चलती है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। अब उड़ती कला से ही तो हमें पहुंचना है, तो बाबा कहते उसका आधार भी है पवित्रता। जैसे कर्मों की गति बड़ी गहन गाई हुई है, कहते हैं ना कर्मों की गति बड़ी गहन है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। ये लाइन लिख कर रखना और याद रखें, पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया हमें बचाती है। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहते हैं।
किसी भी प्रकार की अपवित्रता, दुख और अशांति का अनुभव कराती है। जहां अपवित्रता आई, दुख और अशांति का अनुभव होता। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख अशांति की लहर अनुभव होती है। अब चेक करो, दुख अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। अगर होती है तो उसका बीज अपवित्रता है, चाहे मुख्य विकारों के कारण हो वा विकारों के सूक्ष्म कारण। मोटे रूप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पर मोटे रूप में नहीं तो महीन रूप में, क्योंकि उनके बाल बच्चे हैं, फैमिली है हर विकार की, तो कोई ना कोई सूक्ष्म अपवित्रता हमें दुख और अशांति का अनुभव कराती है। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है, देखो ये बहुत महीन बात और जरूरी बात, जो चलते फिरते हम बच्चे चाहते हैं, कैसे चेक करें। बाबा कहते अगर किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है ना, तो संपूर्ण पवित्रता की कमी। उसका रीजन बाबा बता रहे, पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है, ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए। कौन से शब्द, ध्यान से सुनो, हम ब्राह्मणों के जीवन में मुख पर ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण या इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है, दूसरे का दोषी नहीं। बाबा कहते ये मुख से बोल ही नहीं सकते हो कि इस बात के कारण या उस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ। कभी साधारण रीति से ऐसे बोल भी देते हैं, कॉमन बहुत बोलते हैं या फिर अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र जीवन के बोल नहीं है, ये पवित्र जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, संगम युग का एक एक सेकंड सुखमय हो। बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, दुख कैसे हो सकता। हाँ बातें जरूर आती है लेकिन आके चली जाती है, हमें उसकी हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। तो चेक करना पड़े कि स्थिति मेरी कहां तक बनी है। चाहे दुख का नजारा भी हो, नजारा तो आएगा दुख का, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। अगर हमारे पास वो पवित्रता की शक्ति है, दुख का नजारा होते हुए भी हमें उसकी फीलिंग नहीं रहेगी, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान, दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बनकर सुख शांति की अंजलि देंगे। कितनी बड़ी सेवा है, दुख का नजारा हमारे सामने, फिर भी मुझे उसकी फीलिंग नहीं और मैं भी बाप समान
दुख हरता सुख करता बनकर उस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकूं। ये है बहुत बड़ी महीन मुख्य सेवा। मास्टर सुख करता बनकर दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में वो परिवर्तन करेंगी। ऐसे बच्चे पवित्रता की शक्ति वाले दुख की फीलिंग में नहीं आएंगे, सामने ऐसी बात आते हुए भी उस वातावरण को उन आत्माओं को उनसे दूर करेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। इसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त करती, देखो कितना अच्छा बाबा ने मिसाल दिया और ये प्रैक्टिकल है। कोई बहुत तकलीफ हुई मुझे, कहा बहुत दर्द हुआ, कोई बड़ी बीमारी हुई, डॉक्टर ने दवाई दी, दर्द भूल जाता, पेन किलर दिया, दर्द भूल जाता है। साइंस में इतनी शक्ति है, दुख दर्द को समाप्त कर देती है। तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। उसके आगे हमारी तो शक्ति कितनी पावरफुल है। साइंस भी ये काम कर रही है, साइलेंस पावर कहां गई? तो बाप दादा स्मृति दिला रहे, साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो टेम्पररी है, अल्पकाल की शक्ति है, डोज लिया, गोली लिया, कुछ घंटा दर्द कम हुआ, फिर वापस वो गोली लेनी पड़ती है। तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारणे अकारणे तंग होते, क्योंकि इतनी दवाइयां खानी पड़ती है कि पेशेंट भी तंग हो जाता है, कितनी गोलियां खाए, कितनी दवाई करें, बीमारी अति में जाएंगी। अब बाबा भविष्य भी बता रहे हैं, जो भविष्य भी बाबा बता रहे हैं ना दो लाइन में, वो भी प्रैक्टिकल सब देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। बहुत ध्यान से बाबा की ये मुरली सुनो। बाबा कहते हैं समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां आती में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देवी व देवियों देव व देवियों के पास वो दुआ लेने आएंगे, क्योंकि दवाई से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है तबियत को, बीमारियों को दूर करने के लिए। तो जब उनसे तंग हो जाएंगे, और भी बाबा आगे बता रहे ये बात, तो बाबा कहते आपके पास लोग आएंगे, आत्माएं आएंगी दुआ लेने के लिए कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसीलिए खूब खूब मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र बनाओ, खूब बाबा की याद से आत्मा के अंदर शुद्धि पर शुद्धि लाते रहें, लाते रहें, ऑटोमेटिक वो पवित्रता की आकर्षण आती जाती है। तो बाप दादा कहते हैं ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते, एक तरफ तो बढ़ते जाते हैं ना, हॉस्पिटल्स पहले इतनी थी नहीं, डॉक्टर्स तो इतने थे नहीं, अभी गली गली में
हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी जैसे एक दुनिया के अंदर कहावत है, जो जो दवाई करते जाओ रोग बढ़ते गए। ठीक इसी प्रकार बाप दादा कहते कि हॉस्पिटल्स बढ़ती गई, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत थी, लाइन लगी रहती, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती। डॉक्टर्स भी बढ़ गए, फिर भी डॉक्टर कहेगा आज मैं बिजी हूं, फुल पेशेंट्स हैं, कल आओ परसों आओ, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है और हॉस्पिटल में स्थान नहीं है ना। ये बात आज की तारीख में, और बाबा ने देखो कभी बताई, 87 की मुरली, बाबा ने इसके पहले भी साकार मुरली में भी बताया कि बच्चे हॉस्पिटल में जगह नहीं रहेगी, ऐसी बीमारियां निकलेगी डॉक्टर भी समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी दवा दे देंगे। और आज देखो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलती, तो हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यों लगी हुई होती है? देखो दो दो तीन तीन चार चार घंटा क्यू में रहना पड़ता है। और डॉक्टर्स भी हमने देखा, कई डॉक्टर्स रात को 12 बजे 1 बजे तक अपना क्लिनिक चलाते, और हॉस्पिटल में तो नाइट में भी रहते हैं। ऐसे आगे चलकर, और देखो बाबा क्या बता रहे, ऐसे आगे चलकर हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी ना जा नहीं सकेंगे। ठीक ये बात अभी एक वर्ष से हो रही, जब से कोरोना आया, ऐसा समय आया, लॉकडाउन हुआ, बीमारियां हैं, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। लाखों ऐसे मनुष्य आत्माएं चाहते भी जा नहीं सकते, भाई कोरोना लग जाएगा, कैसे कैसे लोग आएंगे, कई बीमारियों को सहन कर रहे, दांत का दर्द हुआ, आंख का तकलीफ हुआ, ईएनटी का प्रॉब्लम आया, घर बैठे। ये तो ठीक है, थोड़े साइंस के साधन है, वीडियो के द्वारा डॉक्टर को बता देते हैं, दवाई ले लेते हैं, लेकिन वो भी कब तक चलेगा? तो बाबा कहते हैं कि वो चाहते भी नहीं जा सकते, वो आज हो रहा है, ऐसे बाबा ने भविष्य बताया। मेजोरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ये तो स्थिति वायुमंडल वातावरण बढ़ने ही वाला है। तो बाबा कहते हैं कि मेजोरिटी निराश होकर क्या आखिर क्या करेंगे, जब दवा से निराश होते हैं ना तो कहां जाते, कहां जाते आप ही सोचो, कौन याद आता है उनको, आखिर प्रभु याद आता है। हे प्रभु दया करो, कृपा करो, दुआ करो, मेरी बीमारी को आप ही मिटा सकते हो, आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। पूज्य देवी देवता बनने वाले बाबा के बच्चे, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, खूब शक्तियां अपने पास, खजानों को भरपूर रखना पड़ेगा, तो आने वालों को दे सकेंगे, संतुष्ट कर सकेंगे, अनुभव करा सकेंगे। तो आप लोगों के पास क्यों लगेगी, जैसे भी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने क्या होता है मंदिरों में, ओ दयालु दया करो कहकर के दया दुआ मांगते रहते, और वहां क्यों भी लगती है। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, ओ पवित्र देवियां और पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो। देखो बाबा ने कितना क्लियर भविष्य बताया, जो अभी हो रहा है और अभी होगा, और भी तैयार रहे हम सभी, ओ दयालु दया करो कहकर के दया दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास भी, ओ पवित्र देवियां देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने आएंगे। आज
अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितना भटकते रहते हैं। समझते दूर से भी दृष्टि पड़ जाए, वो दूर से भी कोई महात्मा गुरु प्रख्यात प्रसिद्ध होता है ना, कहेंगे बस ऐसे हाथ भी कर लिया ना दूर से मेरे लिए, मेरा कल्याण हो जाएगा, उसके लिए भी तड़पते हैं। तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो, जब अल्पकाल के सारे समाप्त हो जाएंगे ना तो कहां जाएंगे। ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर, ये जो सिद्धि प्राप्त होती है ना अल्पकाल की, वो भी बाबा कहते उसका आधार है पवित्रता, ये सदा चल नहीं सकती। ये भी गोल्डन एज आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती। अब कई नए नए चमत्कार दिखाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, सिद्धियां बताते हैं प्रैक्टिकल में, कारण साकार मुरली में बाबा ने स्पष्ट बताया है कि जो भी आत्मा लास्ट में उतरती है, जब भी परम धाम से उतरती है, उसकी पहली स्टेज सतो प्रधान होती है, तो थोड़ा समय तो उसका प्रभाव रहता है। तो इसी प्रकार से उन आत्माओं का जो अल्पकाल की सिद्धि का अनुभव कराते हैं, तो बाबा कहते उन आत्माओं का थोड़े समय के लिए प्रभाव रहता है, लेकिन थोड़े समय में सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए वो सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। अब जो पीछे आती हैं द्वापर में कलयुग में, तो उनकी जो स्टेजेस हैं वो जल्दी जल्दी बदलती है। हम बच्चे तो सतयुग आदि से उतरते हैं ना, तो सतो प्रधान स्टेज फिर सतो, धीरे 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 हम नीचे उतरते हैं। लेकिन द्वापर युग के बाद जो आत्माएं उतरती हैं, बेशक पहले सतो प्रधान होती हैं, लेकिन यहाँ विकारों का संग रहता है, तो उनकी जो स्थिति का परिवर्तन होता है बहुत फास्ट होता है। तो इसी प्रकार सिद्धि भी जो उनको मिलती है ना, वो बाबा कहते अल्पकाल की मिलती है। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहां न कहां स्वार्थ अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। थोड़ा समय चलता है अच्छा, फिर अभिमान आ ही जाता है, सिद्धि कम हो जाती है। लेकिन आप पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप है, सदा की प्राप्ति कराने वाली है, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए टेम्पररी, थोड़ा जो अच्छा अच्छा बताते हैं, थोड़ी बहुत उनकी आशीर्वाद भी काम कर लेती है, बाबा कहते ये अभी थोड़े समय के लिए है। आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही तो अंजलि लेने आएंगे, सदाकाल की प्राप्ति तो बाबा के द्वार पर है, जिसको बाबा साकार में क्या कहते, बच्चे हट्टी तो एक है ना, घूम फिर के इधर आने वाले, तो अंजलि तो यहां से मिलने वाली है। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्मा बने हो, पहले से रेडी रहना पड़ेगा, अभी समय भी आ गया, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अब तक दुआई मांग रहे हो, अब हम ही क्यू में हैं, तो हमारे आगे क्यू कैसे लगेगी, तो हमें तो पहले दाता बन करके बैठना है, बाबा ने मास्टर दाता बनाया तब तो दे सकेंगे।
कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय ने बाप से मांगते रहते हैं। ये भी चेक करो कि मैं उस मांगने की लिस्ट में तो नहीं हूं ना। मांगते रहते बाबा से, क्या मांगते हैं सुनो। इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो बाबा, इस बात में थोड़ी सी दुआ कर लो, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? जिनका हाथ है ऐसे, वो दाता कैसे बन सकेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जानकर पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बन। ऐसे नहीं सत्युग में देवात्मा बनेंगे, भले वहां शरीर देवता ही हमको मिलेगा पर संस्कार अभी डालने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि अंत में बन ही जाएंगे, अब तो अंत भी आ गया फिर भी नहीं बने, तो ऐसे नहीं सोचना अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति ना अंत में काम आएगी। देखो कितना बाबा फ्यूचर और गुह्य परिभाषा बता रहे। बाबा कहते अभी जो तुम जमा कर रहे हो ना, ये तुमको अंत में काम आएगी। इसलिए जमा करना बहुत जरूरी है। उतना कमाया खा लिया नहीं चलेगा, जमा करना पड़ेगा। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता। कौन सी? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प में, चाहे वृत्ति में, वायुमंडल में, वाणी में, संपर्क में, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते पवित्र आत्मा। देखा कितनी पवित्रता महान है और कहां तक हमको धारण करनी है। तो कहां तक बने हो अपने आप को चेक कर। आज बहुत आगे, जैसे पानी का बांध टूट जाता है ना, तो ये कायदे का बांध तोड़ करके आगे। देखो बाबा बच्चों को प्यार भी कर रहे, कायदा भी बता रहे। बीच में ऐसे हुआ था, रहने का इतना स्थान नहीं, फिर भी ज्यादा बच्चे आ गए। फिर भी कायदे के फायदे तो हैं ना, जो कायदे से आते उनको ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा करके आते हैं तो समय प्रमाण पर उतना ही मिलेगा। फिर भी देखो बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है ना। देखो बाबा बंधन मुक्त है, लेकिन फिर भी उनको कहाँ आना पड़ता है, इस दुनिया के कायदों के साथ चलना पड़ता है। बाप दादा ने शरीर लिया, अब बाबा लिमिट के समय के हिसाब से उनके अंदर बैठेंगे, थोड़ी बैठे ही रहेंगे, शरीर भी अपना काम करता है तो बंधन हो जाता है ना। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी क्या लगता है, आजाद है। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए, फिर भी बाबा बच्चों को वेलकम कर रहे, पर कायदा भी याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र पवन पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति के द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा संपन्न सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत पवित्रता की परिभाषा गुह्य बताई, और क्या क्या हम बच्चों को करना है, रेडी रहना है। मुरली को फिर से ध्यान से सुनो और अपनी स्थिति बनाएं, दाता बने,
खजानों से भरपूर रहे और पवित्रता की शक्ति हमारे पास फुल होनी चाहिए, सिद्धि स्वरूप आत्मा। मुरली का वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी हो। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं ना, उनका स्लोगन क्या होता है कि हारना व पीछे लौटना किसका काम है? कमजोर लोगों का। योद्धा माना मरना या मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ने वाले, विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कहां तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से तो सेकंड की बात है ना। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब को देखो और बाबा की याद व साथ की अनुभूति के द्वारा विजयी बनो। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। कैसे बनेंगे? सदा आशावादी रहना है, निराशावादी नहीं बनना है, और विश्वास, बाप दादा में भी विश्वास, स्वयं के अंदर भी विश्वास। बाकी तो हम हैं ही विजयी रत्न, हमारी हार तो कभी हो नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला।